हेलो दोस्तों, ये Q&A वीडियो है। आपने जितना भी क्वेश्चन मुझसे पूछा है उसका मैं आज आंसर देने वाला हूँ। तो जैसे एक क्वेश्चन आया है, सर मेरे लैपटॉप में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, मैं अपना लैपटॉप ओपन नहीं कर सकता हूँ। तो आपको लैपटॉप को ओपन करना नहीं आता है, तो उसके लिए आपको मैं एक वीडियो बना दिया हूँ कि लैपटॉप को कैसे खोलते हैं। आप जाके उस वीडियो को देख लो और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देख लेना कि लैपटॉप को कैसे खोलते हैं और आपकी जो नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है वहां पे रैम और मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करना, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या फिर एक बार रैम को आप चेंज भी करके देख लेना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। सर मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, प्लीज बता दो। जो आपने बताया वो सब वैसा ही किया लेकिन फिर भी नहीं ऑन हो रहा है। तो इनका कहने का मतलब, मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आपका लैपटॉप नहीं ऑन होता तो आप ये चीज़ें ट्राई करो जिससे आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा या फिर ऑन हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर लिया, उसके बाद भी मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो देखो, अगर मैंने जो वीडियो में बताया है वो आपने ट्राई कर लिया है, उसके बाद भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको अपने लैपटॉप को शॉप में ले जाने की ज़रूरत है और आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगी जिसके वजह से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। अगर किसी का भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा और उसने सब कुछ जो मैंने बताया उसको ट्राई कर लिया है, तो आप समझ जाओ कि आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, उसको आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा शॉप पे। ज़्यादातर मदरबोर्ड में अगर कोई कंपोनेंट जल जाता है तो वहाँ पे आप खुद से कुछ भी ट्राई करते रहो वो ऑन नहीं होगा, वो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, वो मदरबोर्ड को रिपेयर करने के बाद ही आपका लैपटॉप ऑन होगा। तो एक क्वेश्चन आया है, सर मेरा HCL का लैपटॉप है और 20 से 25 दिन तक रखा था और आज जब मैंने उसे चार्जिंग में लगाया तो डिस्प्ले चार्जिंग में लगा के ऑन किया तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है और लाइट शो हो रही है बस, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आपका लैपटॉप जब आपने रखा था उस टाइम पे ठीक था और अब आप उसे जब चार्जिंग लगा के ऑन कर रहे हो तो लैपटॉप तो ऑन हो जा रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में आपको अपने लैपटॉप को अच्छे से ओपन करके क्लीन करना है। साफ ऑफ कर दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपने जब लैपटॉप रखा था तो ठीक था और आज आप ऑन कर रहे हो तब नहीं आना तब ऑन नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आपको बस साफ करना है अपने लैपटॉप को, अच्छे से सब चीज़ क्लीन करो, 100% डिस्प्ले आ जाएगा। ज़्यादा दिन तक लैपटॉप रखने से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, तो ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से लैपटॉप को अपने क्लीन करो, ठीक हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, सर मेरा लैपटॉप कुछ टाइम चलता है फिर बंद हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो रहा है, आपका कंप्यूटर आधे घंटे या 20 मिनट चलता है उसके बाद अगर अचानक बंद हो जाता है, ये जो प्रॉब्लम होती है ओवर हीटिंग की वजह से होती है और ये ज़्यादातर थर्मल पेस्ट को सूख जाने की वजह से होती है। आपका जो CPU होता है उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा रहता है और थर्मल पेस्ट जब सूख जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। तो एक बार अपने फैन को चेक कर लेना है और थर्मल पेस्ट को भी चेक कर लेना है, सूख तो नहीं गया। अगर सूख गया होगा तो दूसरा थर्मल पेस्ट लगा के फिर से आप हीट सिंक को अच्छे से टाइट कर दोगे तो आपका जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, बार बार बंद होने की प्रॉब्लम है, ये दूर हो जाएगी। हाई ग्राफिक्स कार्ड लगाने से प्रॉब्लम आता है पर विदाउट ग्राफिक्स कार्ड चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है, ग्राफिक्स कार्ड बिना भी लगाए चल जाता है, लेकिन कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं कि जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना ज़रूरी होता है तभी डिस्प्ले आता है। तो अगर आपके भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका कमेंट का आंसर मैं 100% दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।